नमस्कार मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में एक बुरी खबर इस स्टॉक के लेकर के आई है जिसके कारण एक बड़ा क्रैश भी आते दिख सकता है हालांकि इस समय टेक्निकली देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है यहां देखेंगे ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है वन साइडेड आउट परफॉर्मेंसनेस सेक्टर और अपने पीयर्स को करा तो इसकी क्या न्यूज है उसको समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं यहाँ यह खबर है कि टाटा मोटर्स विल बी द बिगेस्ट लूजर क्या होगा अब तक तो विनर बन रहा था अब ये लूजर बनेगा कब जब फेमा का सेकेंड स्कीम एक्सपायर हो जाएगा थर्टी मार्च को तब ये एक बड़ी खबर रही फेमा क्या है फेमा है फास्टर एड ऑप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया जिसके थ्रू कंपनी को बेनिफिशरी हो रहा था किसका इंसेंटिव का यहाँ जो टाटा मोटर्स ने व्हीकल बेचे हैं वो व्हीकल बेचे हैं लगभग ट्वेंटी टू हंड्रेड जो है वो बच ई बसेस बेचा है ये ई बस रहा है बाकी देखेंगे तो पंद्रह हजार छोटे छोटे पैसेंजर व्हीकल इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बेचा है जिसके थ्रू कंपनी को लगभग 332 करोड़ बड़े बसेस में और 110 करोड़ छोटे वहीकल में 432 करोड़ इंसेंटिव मिला है और ये जो फेमा स्कीम टू है ये जो फेमा का जो स्कीम है वो एक्सपायर हो रहा है 31 मार्च का जिसका बड़ा इंपैक्ट टाटा मोटर्स पे हो सकता है क्योंकि टाटा मोटर्स मोर देन एट्टी परसेंट ईवी के अंदर जो है मार्केट शेयर ऑन करती है और इस न्यूज के कारण इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट किया जा रहा है दूसरी खबर कंपनी ने लगभग 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 क्या टोटली नंबर देखेंगे तो फोर एट सेवन कहा है यहाँ फोर एट सेवन थ्री सिक्स एट फोर लैख एटी सेवन थाउजेंड थ्री सिक्सटी एट शेयर इंप्लाई स्टॉक ऑप्शन के थ्रू अपने शेयर होल्डर को अलॉट करे ये दो बड़ी खबर रही इसके अलावा ऑटो सेक्टर तो अपने जो ऑल टाइम हाई है वहां पर ही ट्रेड कर रहा है इवन इसको ब्रेकआउट करके ये ऑल टाइम हाई पे चला गया जिसके कारण टाटा मोटर्स को भी देखेंगे तो टेक्निकली यहाँ मैं ये लाइन दिखा हूं तो लगभग लगभग 1060 से 10 परसेंट के डाउनफॉल दिखे लेकिन ये ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट करा यहाँ से रिवर्सल लिया तो ऐसा कि फेमा के जो एक्सपायर हो रहा है इंसेंटिव प्लान उसको लेकर के ब्रेक डाउन हो जाएगा आई डोंट थिंक सो मिनिमम जो सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया यहाँ डब्ल्यू पैटर्न कंटिन्यू ये जो पहले रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बनेगा तो मिनिमम 960 को तोड़े तभी शॉर्ट करेंगे अभी भी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और 1060 1140 और 1500 प्लस तक के लेवल्स अभी भी दिख सकते हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी शॉर्ट करेंगे तो मिनिमम 960 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे जब तक ये लेवल ब्रेकडाउन नहीं हो ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है और अपर साइड कंटिन्यू करते दिख सकता है